हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज जो नोना का बर्थडे है 11 मंथ का, तो आज मैंने कहा कुछ अच्छा ही बना लेती हूँ। खीर नहीं बना पाई मैं, शाम को बनाऊंगी आप लोगों के लिए खीर। मैंने बना लिया आलू गोभी और पूड़ियाँ और दाल और चटनी। और ये देखो ये कैसे बैठे हैं, बताओ ऐसे क्या हो गया तुम लोगों को? राम राम जी। हम है रश्मि निवास के बच्चे, खाना खाना चाहते हैं। मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबसे बड़ी पुत्री, छोटी पुत्री, छोटा पुत्रा पुत्रा। तो ये लोग भी खाने के लिए बैठे हैं वेट में। भाई साहब जी आओ, पहले पूजा करो। सूरज निकला पश्चिम से, भाई साहब घर आया हूँ, खाना भी नहीं है मेरे। तो सूरज पश्चिम से ही निकला, तू भी 1 महीने में स्कूल गया है। सुन ना, नहाने चल मेरे साथ, पेट्रोल देखने स्कूटी। प्रेरणा आई है यहाँ पे, क्यों आई है? मैंने आपको बता ही दिया कि अब बस सभी के चैनल पे यही मिलेगा आपको, नोना के बर्थडे की तैयारियां। आइडिया देते रहना आप भी कुछ ना कुछ हमें। और ये लोग जा रहे हैं आज, मैं मर जाऊंगी। इनकी एक्टिंग देखो, तीनों बहन भाइयों की। और ये रही हमारी बर्थडे गर्ल, ले आओ। ये भी बोल लेगी कुछ, इसको भी बोलना, ये भी कम थोड़ी है। ये आ गए पापा बेटी दोनों। क्यों कर रहे हैं अंशु ऐसे पागल? अंशु क्यों कर रहे हैं देखो, इन लड़का निकल गई ना, सांस आ गई, देखो सांस कंप्लीट आ गई। तो भाई जिंदा हो गए, मर गया। देख रही है क्या ड्रामे कर रहे हैं। तो चलती हूँ मैं मार्केट। कशिश मेरे साथ नहीं जा रही है, उसको कोई खुशी नहीं है मार्केट सूट लेने के लिए। और बच्ची बच्ची बच्ची, और मैं इनकी ड्रेस से भी देखाऊंगी फिर। मैं तो ड्रेस से नहीं, गाउन पहनूंगी। ड्रेस से मत देखो, मतलब मैं इनके लिए गाउन गाउन देखूंगी। ब्लैक कलर अच्छा लगा था ना आपको, तो ऐसे ही लूंगी। आज मेरी बेटी का बर्थडे है, आज मुझे केक, खुद भी नाच दिया। आज मुझे केक मिलेगा, आज मुझे पिज्जा मिलेगा, आज मुझे पैसे मिलेंगे। तेरी क्या हो गई? नाच भी लिए खुद ही, देखो लोना भी डांस कर रही है। क्या हो गया? तो यहाँ पे बर्थडे है यार, लास्ट आज इसका मन का ईयर का लास्ट वाला बर्थडे है। और कशिश को कोई मतलब नहीं है बर्थडे या कुछ है, कशिश अपना खाने में उतार चालू हो गई है। और ये देखो बच्चे के हाथ से गलत काम करवा रही है। मेरे बच्चा ऐसे कभी भी नहीं करता, मम्मी को नहीं मारता इतना, कभी बोलती इतना मारता है, को मारता है चार्ज होने के लिए बर्थडे उसका नाच। और पता है आप लोगों को, एक फंक्शन हो घर में, भाई नोना को बुला रहा, भाई नोना बहुत डांस करती है, कहीं भी जाती है गीतों में नाचना चालू कर देती है ना, इसको बहुत शौक है डांस करने का। तो मिलती हूँ मैं मार्केट में, पीछे लगी पड़ी है। तो हेलो बच्चों, पहुँच गए हैं हम लोग चांदनी चौक। और घर से निकली थी तो नहीं दिखा पाई, कशिश ने मना कर दिया, तो फिर हम नोना को कशिश के बाद छोड़ा है। और 4 घंटे का टाइम मिला है हमें मार्केट करने का, तो मैं आई हूँ चांदनी चौक कटरा शर्फी में। और दिखाती हूँ आपको मैं क्या देखने वाली हूँ अपने लिए, सूट साड़ी या जो भी। और चल के मिलते हैं वहाँ पे। और मेरे साथ आई हैं बिना आंटी, हेलो कर लेना, तो हम दोनों चॉइस कर लेंगे, हम चलते हैं। और मैं आपको दिखा दूँगी कि हम लोग वहाँ जाके क्या क्या लेते हैं। पतली पतली सी छोटी सी गलियां हैं कटरा शर्फी में आके। दुकान नंबर पहले भी कशिश और प्रेरणा ने आपको दिखाई रखा है। और हम लोग पहुंच रहे हैं, हम जिस दुकान पे जाते हैं उसका नंबर है 622, दुकान नंबर श्याम सुंदर महेश कुमार। तो भैया आ रहे हैं, भैया पहले दिख गया हमें। और चलो चलते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको। बच्चों दुकान पे आ गए, मुझे आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और भैया नहीं है, उनके फादर हैं, तो ये स्टाफ बहुत ढीला, उनके बिना कुछ काम नहीं कर रहा है ना। मतलब होता है ना, ओनर के बिना स्टाफ खड़े हो जाता है। मुझे एक दो सूट पसंद आए हैं, इस पर लाइट इतनी पड़ रही है, आपको दिखेगा कैसे। एक ये सूट मुझे पसंद आया, और मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहे हैं। एक सूट ये वाला पसंद आया, क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कौन सा कलर हूँ। तो मैंने ये डिसाइड करा है, जब भैया आ जाएंगे 3-4 दिन बाद, मैं तभी आऊँगी और इनसे किराया भी वापस लेके जाऊंगी अपना, जो मेरा आज लगाया है इन्होंने। हाँ सही में, मैं तो ले लूँगी, मैं तो किराया भी ले लूँगी। भैया मुझे बोल देते मैं नहीं है, मैं आती ही नहीं बिल्कुल। मैंने 3-4 साड़ियाँ ली हैं, फिर मैं आपको दिखा दूँगी, बाकी देखते हैं फिर मार्केट में कहीं और ट्राई कर लेते हैं। भैया नहीं है तो आज हम कहीं और दुकान पर चले जाएँगे, और क्या करेंगे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। मतलब सोच के आई हूँ कि बेस्ट से बेस्ट लूँ, तो आज तो कबाड़े से कबाड़ा मिल रहा है मुझे। तो बच्चों यहाँ पे मैंने ले ली हैं कुछ साड़ियाँ देने लेने की। यहाँ पे मैंने ये 5-6 साड़ियाँ ली हैं जो मुझे कमी समझ आई। मैंने आपको पहले ही बता दिया, भैया है नहीं, भैया आएंगे उसके बाद मैं आऊँगी, 1 हफ्ते बाद। यानी भैया 26 के बाद आएंगे और मैं 30 के अराउंड आऊँगी, और उसी समय लेके जाऊँगी मैं बाकी की सारी शॉपिंग। और कशिश की ड्रेस भी तभी देखूँगी, क्योंकि भैया नहीं है तो मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा, स्टाफ जो है ठीक से अटेंड नहीं कर रहा मुझे, तो तभी आऊँगी फिर मैं दिखाऊंगी। बाकी की साड़ियाँ मैंने पैक करा ली, लेकिन यहीं छोड़ के जा रही हूँ आज, तो फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट किसी मार्केट में जाके। बच्चों घर आने के बाद चाय वाय बनाई,
बहुत लेट मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ रात के 11:30 बजे। चाय वाय बनाने के बाद मैं थोड़े से कपड़े फिर से धोने चली गई थी, और खाना दिन का रखा है उसी में हो जाएगा। प्रेरणा आई थी तो वो कुछ खाने को ले आई थी, चाउमीन वगैरह, इन बच्चों ने सबने वो खा ली। और अभी रिसेंटली प्रेरणा के साथ एक सीन हो गया, मम्मी अपने घर गए थे जिम के बाद, तो वो तो वहाँ से खाना खा के आ गई और प्रेरणा ने यहाँ खाया नहीं और उसको लगती है रात को भूख, और घर गई तो उसका आटा ख़त्म हो गया, तो मुझे फ़ोन करके कह रही है मम्मी जोमेटो से मेरे लिए ना वो सॉरी उस मेरे लिए आटा भिजवा दो उससे पोर्टर से, क्योंकि मैं कुछ खाना वाना भेजना होता है मुझे और अंशु नहीं जा रहा अगर तो मैं पोर्टर से भेजती हूँ। तो अब आप देख सकते हो, मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो, तो उसकी डोर स्टेप होने वाली है अभी, एक मिनट मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखो मैंने जो है, उसने बोला मम्मा मेरा आटा भिजवा दो। अब देखो ये काम हो रहे हैं हमारे जी, ये जोमेटो वाले हो गए और ये जो है आटे वाले हो गए, रोटी पहुंचाने वाले जी, सॉरी मेरा दिमाग भी देखो कैसा हो गया, जोमेटो एंड स्विगी है, बहुत सारे फूड ऐप हैं, और अगर सामान भेजना है तो उसके लिए आप लोगों को अगर नॉलेज नहीं हो किसी को तो मैं बता देती हूँ, पोर्टर करके एक ऐप आता है और उसमें आप कुछ भी सामान अपना भिजवा सकते हैं और बहुत कम किराया लगता है, और कई बार तो अगर ऐसी नीड होती है किसी को भेजना ही है अगर पकड़ा के सामान, तो मैं पोर्टर से बाइक से सामान भेज देती हूँ, और या फिर अगर बंदे को ही जाना है तो ऊबर में बाइक भी आती है। तो भैया डोर स्टेप चल रहा है उसका और वो पहुंच गए, मैं कॉल करूं, कई बार प्रेरणा का कॉल नहीं लगता, तो देखो फिर वो ज़रूर मुझे वीडियो कॉल करेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने आपको कहा था ना ऑर्डर उस तक पहुंचते ही वो कॉल करेगी, तो प्रेरणा का आ रहा है मेरे पास कॉल, मैं उसको कॉल रिसीव करती हूं फिर आपको दिखाती हूं। अब वो इस फ़ोन पे करने लगी, अबे भाई इस पे कर, अभी दिखाती हूं आपको मैं, वो सोचेगी मम्मी भी ना कमाल करती है। मैं उसको इसलिए फ़ोन करी थी बताने के लिए कि पेमेंट हो चुकी है, तो देखते हैं क्या कहती है, देखो आप। अरे मम्मी यार ये तो बहुत सारा है आ गया। अच्छा लग रहा है जोमेटो वालों को पता चल गया था कि भूखी है निशी आज। अरे यार मैंने तो सब सब्जी तो मंगाई रखी थी, अभी इतना सारा आ गया, अब बताओ मैं क्या करूं। अब खा तू बैठ के, तेरे पसंद का ही है सब कुछ, इतना कैसे खाऊंगी मैं। अब खा ले, दोनों खा लो। दोनों भी कितना खाएंगे, मैंने आपको बोला था रोटी उड़ा के भेज देना बस। अरे मैंने सोचा वो अब पोर्टर इतनी देर में, इससे अच्छा तेरे पसंद का ही कुछ भेज दूं। अबे ये सम्राट से मंगाया, अंशु गुन्नू को भेज दो ना मेरे पास खा लेगी वो। पहले तेरे लिए रोटी भेजने के लिए बंदा आता है, हमारे पास बाइक नहीं है, आप तेरे लिए वो भेज दूं ना लायक। अंशु गुन्नू को बोलो ऊबर से आ जाए ना। वाह खाना खाने के लिए वो ऊबर से तेरे घर आए, क्या बात है। नहीं नहीं वो मैं क्या कह रही हूँ, पेड़ तो नहीं किया ना, वो पेड़ था, वो पूछ रहा कि वो पूछ रहे थे पेड़ है, उसको दिया तो नहीं ना। चल पागल तू खा ले यार, मम्मी अब ये वेस्ट हो जाएगा इतना सारा। क्यों फिर सुबह खा लियो, नहीं होगा ये देखो, ये हमारी जोमेटो और स्विगी मम्मी, ये देखो हमारी बेटी का आटा खत्म हो गया था तो हमारी जोमेटो मम्मी पहुंच गई वहां पे। भाई कोई भी माँ चिंता ना करे, अगर अपनी बेटी तक नहीं पहुंच सकती तो जोमेटो मम्मी पहुंचा देगी, ठीक है। मतलब कि अगर किसी को भी ये लगता है कि बच्चा मेरा भूखा है या वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पा रही बना के, तो यार ये जोमेटो मम्मी मुझे तो आई लव यू जोमेटो, जिसने भी ऐप बनाया ना बहुत अच्छा ऐप बनाया यार, क्योंकि हर वक्त ना कन्वेंस नहीं होती या कोई जाने वाला नहीं होता तो फिर क्या करते हैं हम लोग जोमेटो वगैरह, मतलब अड़ी भीड़ के लिए। मेरे बच्चों की तो दूसरी माँ, और मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि पहली माँ भी मान सकते हैं उसे, क्यों गुन्नू, ओ गुन्नू सुन तो, अगर कोई प्रायोरिटी ऐसी देनी पड़े तो तू जोमेटो को पहली माँ बोलेगी या दूसरी? दूसरी मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, जोमेटो स्विगी जिंदाबाद। तो प्रेरणा का तो पहुँच गया खाना और मुझे खाली पेट डकार आ रहे हैं, तो मैं भी चलती हूँ अपने लिए कुछ बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ।